अनियमितताओं व बजट के बंटरबांट के मामले में 2 ग्राम प्रधानों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर जिलाधिकारी मानविंदर सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों की 2 अलग-अलग जांच समितियां गठित कर दी हैं। जांच समितियों को 6 दिन का समय दिया गया है और जांच के बाद आरोपी घोटालेबाज प्रधानों पर कड़ी कार्रवाई की योजना है। वहीं ग्राम बिहार प्रधान पहले भी तकरीबन 6 लाख रुपए घोटाले की पुष्टि भी हो चुकी है। तकरीबन 1 साल तक खाता भी सीज किया गया था, बीजेपी विधायक की मेहरबानी से फिर बहाल हो गया और फिर घोटालेबाज प्रधान ने तकरीबन 50 लाख रुपए के घोटाले की शिकायत कर दी गई है। विकास खंड मोहम्मदाबाद के ग्राम बिहार के ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी फर्जी फर्मों के नाम पर बिलिंग कर 14वें वित्त आयोग की धनराशि का गबन कर रहे हैं। इसके अलावा जाली प्रपत्रों के आधार पर तैयार मनरेगा जॉब कार्ड के सहारे बिना काम कराए ही मनरेगा के बजट को हड़प कर रहे हैं। ग्राम मोती नगला निवासी आदित्य कुमार की ओर से डीएम को शपथ पत्र के साथ दिए गए शिकायती पत्र में लगभग 50 लाख रुपए हड़प लिए जाने का आरोप लगाया गया है। मामले में जांच के लिए गठित समिति में जिला सेवा योजन अधिकारी अमित कुमार व लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिकारी अभियंता आदित्य कुमार को शामिल किया गया है। इसी प्रकार ब्लॉक शमशाबाद की ग्राम पंचायत परम नगर गंगलऊ के प्रधान सुशील यादव के खिलाफ जिलाधिकारी को शपथ पत्रों के साथ मिली शिकायत में विकास कार्यों के लिए मिली धनराशि को हड़प लिए जाने की शिकायत की गई। विनीत कुमार, प्रदीप कुमार व सर्वेश कुमार की ओर से दिए गए शिकायती पत्रों में ग्राम प्रधान पर गांव में कोई विकास कार्य ना कराने का भी आरोप लगाया गया। डीएम ने परियोजना अधिकारी DRA राजमणि वर्मा व अधिशासी अभियंता जल निगम SK तिवारी की समिति को मामले की जाँच सौंपी है। सर, फरुखाबाद के बिहार गांव का मामला जहां पर प्रधान का 14वें वित्त आयोग का पैसा गबन करने का पूरा मामला है, तो क्या पूरा मामला किस तरीके से जांच प्रक्रिया चल रही है और क्या कार्रवाई होने की संभावना है? देखिए, ये शिकायतें एफिडेविट के साथ की गई हैं और जो शासनदेश है उसके अनुसार यदि ग्राम प्रधान की शिकायत एफिडेविट पर की जाती है तो उसकी समिति गठित करके जाँच की जाती है। दोनों मामलों में जाँच समिति का गठन किया गया और उनसे अपेक्षा की गई है कि जल्दी जल्द जांच करके भेजें, जिससे कि जांच में जो भी पाया जाएगा उसको अनुसार करेंगे। सर, ग्राम प्रधान जो बिहार का आया, सर उसकी पहले भी जांच हुई थी लगभग 1.5 साल पहले। सर, उसने मनरेगा का घोटाला किया था, उसने उसका अकाउंट भी सीज कर लिया गया। तो इन ऐसे अगर जो भ्रष्टाचारी प्रधान है, इनको छोड़ा क्यों जाता है? क्या अगली बार कार्रवाई कड़ी कार्रवाई होने का बात? अवश्य कड़ी कार्रवाई होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं, यदि इसने पहले भी इस तरह का इन्होंने किया है तो इनके विरुद्ध हम आगे कार्रवाई करेंगे, उनको बर्खास्त किया